रहीम, आज हम अपने नेशनल प्राइड, आज 14 अगस्त है, उसके ऊपर बात करेंगे। नेशनल प्राइड, कौमी तफाखुर क्या चीज़ होती है? तो आई एम अ हसन, माई कंट्री इज़ पाकिस्तान, आई एम अ पाकिस्तानी। जो पाकिस्तान में रहने वाला है वो पाकिस्तानी कहलाता है। आवर फ्लैग इज़ ग्रीन एंड वाइट। आई लव माई फ्लैग, आई लव पाकिस्तान। 14th अगस्त इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। हसन एंड मारिया लाइक टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। मारिया लाइक्स इंडिपेंडेंस डे, शी हैंग्स फ्लैग्स इन द हाउस। मेरी पहचान पाकिस्तान, योम आज़ादी मुबारक। हम अपनी योम आज़ादी मनाने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, बहुत से लोग अपनी जानों से खेल गए, उनको ना कब्र नसीब हुई ना कफन नसीब हुआ। हिंदुओं और सिखों ने बेदर्दी से इस मुल्क में आने वालों को कत्ल किया। लोग हर तरह से जो हैं वो पैदल चले, अपने बूढ़ों और बच्चों को सरों पे बिठा के, जो कुछ भी था, ट्रेनें वहाँ से भरी हुई चली। ट्रेनों के ऊपर भी लोग बैठे हुए थे, उनके अंदर भी रश था, लेकिन जब वो पाकिस्तान पहुँची तो वो खून से भरी हुई थी, खाली थी। हिंदुओं और सिखों ने बहुत सारे लोगों को तहतेह कर दिया। हमें आज यौम आज़ादी मनाते हुए उन कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए जो हमारे बुज़ुर्गों ने दी। आज़ादी जहनों में होती है, ईमान अल्फाज में होते हैं, फ़ख्र दिलों में होता है और यादें रूह में होती हैं। हमें आज इंडिपेंडेंस डे पे जश्न मनाने की बजाय अपने जहनों में, अपने अल्फाजों में, अपनी रूह में वो यादें ताज़ा करनी हैं। हमने किस लिए, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन हमारे रहनुमा? अल्लाह के नबी। क्या हम इन बातों को समझते हैं? क्या हम एक अल्लाह के आगे जो है वो सजदा करते हैं? क्या हम अपने रहनुमा जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझते हैं? अलामा इकबाल ने कहा, ये एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को निजात। तो क्या वाकई हम एक अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं या हम पैसे के आगे सर झुकाने वाले बन गए हैं? हम झूठ और करप्शन और रिश्वत और हर बुरी चीज़ के आगे सर झुका देते हैं। आज़ादी का दिन तो आ गया, अभी तक पाँव से चिमटी हैं जंजीरें गुलामी की। दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती। तो क्या हमने आज़ादी असूलों की पाबंदी के बाद सारी चीज़ों से आज़ादी हासिल कर ली है? हम पाकिस्तानी सिर्फ इस वजह से बने कि हम मुसलमान थे। अगर अफ़गानिस्तान, ईरान, मिस्र, इराक और तुर्की इस्लाम को खैर बात कह दें तो फिर भी वो अफ़गानी, ईरानी, मिस्री, इराकी और तुर्की रह सकते हैं, लेकिन हम इस्लाम के नाम से राह फरार इख्तियार करें तो पाकिस्तान का अपना कोई अलग वजूद नहीं। कायदे आज़म ने फरमाया, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान का तर्ज से हुकूमत क्या होगा, पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत का तायुन करने वाला मैं कौन होता हूँ। मुसलमानों का तर्ज हुकूमत आज से 1300 साल कबल कुरान करीम ने वजाहत के साथ बयान कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है। तो ये मैं आपके सामने लामा इकबाल की एक नज़म रखती हूँ। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, रूह को तड़पा दे। फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौके तमाशा दे, फिर ज़ौके तकाजा दे। फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौके तमाशा दे, फिर ज़ौके तकाजा दे। महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, देखा जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। भटकते हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, भटकते हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के हुगर को फिर वुस्सते सहरा दे। पैदा दिले विरा में फिर शोरश महशर कर, इस महमल खाली को फिर शाहिद लैला दे। इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को, इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को, वो दागे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे।
रिफ्फत में मकासद को हम दोषे सुरैया कर, रिफ्फत में मकासद को हम दोषे सुरैया कर, खुददारी साहिल दे आज़ादी दरिया दे, बेलौस मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो, बेलौस मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो, सीनों में उजाला कर दिल सूरत मीना दे, एहसास अनायत कर आसारे मुसीबत का, अमरोज की शोरश में अंदेश फरदा दे। मैं बुलबुले नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तान का, मैं बुलबुले नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तान का, तासीर का साइल हूँ मोहताज को दाता दे। कायद आज़म ने फरमाया हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया है लेकिन यह हमारे मकसद की इब्तदा है, अभी हम पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, हसूल पाकिस्तान के मुकाबले में इस मुल्क की तामीर पर कहीं ज़्यादा कोशिशें सरफ करनी हैं और उसके लिए कुर्बानियां भी देनी हैं, तो आए आज अहद करें कि हम उस वक्त तक चैन से बैठेंगे नहीं जब तक हम कायद आज़म के फरमान के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर लेते। हमें खिदमत, तकलीफ़ और कुर्बानी जैसी आला सलाहितियाँ अपने अंदर पैदा करनी है, क्योंकि कोई भी शानदार काम करने के लिए ये बुनियादी तकाजे हैं। ये जो वीडियो है आपकी खिदमत में पाकिस्तान होम स्कूल की तरफ से पेश की गई है।